नमस्कार बच्चों, आइए चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करो। इससे पहले मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर डालिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बच्चों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर, ठीक है, रूट का साइन है, यहाँ पर 41 लगा माइनस, फिर एक और रूट का साइन, रूट के साइन के अंदर दिया 21, फिर प्लस, फिर एक और रूट का साइन दिया 19, फिर माइनस, फिर एक और रूट का साइन है 9, रूट 9, ठीक है। तो इक्वल बताना है कि इसके इक्वल होगा। ये आइए करना शुरू करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। ये यहाँ पर देखिए मैंने हमेशा की तरह पहले से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और सबसे पहले जो सबसे छोटा स्क्वायर है मतलब अंदर है दिया हुआ, उसी को लेके चलेंगे। उससे पहले जो भी स्क्वायर रूट के साइन है उसे आप यू के यू लिखते हुए चलें। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पर देखिए 9 है, अब यहाँ पर 9 का, ये देखिए 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 3। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, 9 का तो निकल गया लेकिन इसके ऊपर ये ऊपर वाला आ गया। आइए आगे कर लेते हैं, 41 यू का यू माइनस, यहां पर ये 21 यू का यू आएगा और प्लस। अब देखिए यहां पर, चलो मैं एक बार माइनस कर लेता हूं, ये देखिए 19 माइनस 3 होता है 16, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं, यहां पर 41 माइनस 21 और प्लस, आप 16 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए क्योंकि खाली एक ही नंबर आएगा ना, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं, यहाँ पर 41 माइनस, आप यहाँ पर ये, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 21 प्लस 4 25, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ गया। आइए इसको मैं इधर बता देता हूँ, 41 माइनस, अब 25 का जो स्क्वायर रूट क्या होता है वो होता है 5, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं, अब 41 माइनस 5 होता है 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों था ना कितना आसान, देखिए अब ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताएँ, इसमें से सीखकर दूसरों को पढ़ाएं सिखाएं, चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।